जानना चाहेंगे कि आपका इविक्शन हो चुका है, किस तरीके का देखते हैं, क्या आपका भी इविक्शन बाहर वाले के डिसीजन से हुआ है? मेरा एविक्शन बाहर वाले के डिसीजन से नहीं हुआ है। मेरा जो एविक्शन है, हाउसमेट्स ने मेरे को वोट आउट किया है। अगर बाहर वाले के हाथ में होता, आई एम श्योर वो मुझे लास्ट टाइम की तरह बचाते, बिकॉज मुझे पता चल गया बाहर आते ही कि मेरा बाहर वाला है मेरा भाई लव। क्या बात है, थैंक यू। अरे सॉरी। तो बाद में जब आप बिग बॉस के घर से फाइनली बाहर आ चुके हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन है, आपके जो फैमिली, आपके जो फ्रेंड्स हैं, लोगों का क्या रिएक्शन था कि ये एविक्शन कितना अनफेयर रहा उनके लिए? उनको लगा कि शायद मैं थोड़ा और टिक पाती, लेकिन उनको ये भी मालूम था कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं टिकूंगी, बिकॉज मैं उस तरह का गेम नहीं खेल सकती हूँ। और मैंने जाते जाते भी ये बोला कि सारे कंटेस्टेंट्स को कि मैं आप लोगों की तरह इतनी स्मार्ट और शातिर नहीं हूँ, इसलिए मैं आज इविक्ट हो रही हूँ एंड आज मैं जा रही हूँ घर जाके। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ खेला और मैंने अपने आप को नहीं बदला। इवन अगर आपके बिग बॉस के पहले का काम देखे, वर्क देखे, तो आपको कितना लगता है कि बिग बॉस OTT3 के लिए आप कितना डिजर्विंग थे घर के बाकी लोगों से ज़्यादा? मैं ये कहूँगी कि जब हम लोग 16 कंटेस्टेंट्स इस घर में गए, तो हर एक इस शो में डिज़र्विंग है, क्योंकि ये अनफेयर होगा किसी को ऊपर या नीचे लाना। बट मैं यही कहूँगी कि अगर हम इस शो में कास्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली सब लोग इक्वली डिज़र्विंग हैं। तो जब मेरे को ये बोला गया कि आप कम डिज़र्विंग हैं, आप वीकेस्ट कंटेस्टेंट्स हैं, ये मुझे सही नहीं लगा, बिकॉज़ ये सही नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं या आपको इविक्ट होना चाहिए फॉर व्हाटएवर रीज़न, बट नॉन डिज़र्विंग, कोई भी नॉन डिज़र्विंग उस शो में नहीं है, और जो लोग नॉन डिज़र्विंग हैं वो तो शो में है ही नहीं। मुनीशा मैम, आपसे जानना चाहेंगे, कटारिया और विशाल के फ्रेंडशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट किया जा रहा है कि कटारिया ने उनका स्टैंड नहीं लिया जब उन्हें थप्पड़ पड़ा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके साथ ज़्यादा दिखती थी, आपका बॉन्ड ज़्यादा अच्छा था उन दोनों से, क्या कहना चाहेंगे? मेरा बॉन्ड उनके साथ बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि उन लोग के बीच में जो बात हुई वो लोग दोनों ही जानते हैं। मैं यही कहूँगी कि लव ने अपनी तरफ से जो उनको सही लगा उन्होंने यही कहा, एंड जो विशाल जो है, आई थिंक दे आर स्टिल देयर फॉर ईच अदर। मुझे ये बात पे कोई भी डाउट नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो सिचुएशनली हुआ शायद वो उस हिसाब से हो गया। लव को और विशाल के बीच में क्या बात हुई वो सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। मैम, पिछले सीजन में अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ मारा था और अभिषेक को काफ़ी सिंपैथी मिली थी, आपको लगता नहीं कि इस सीजन में अरमान मलिक ने विशाल को इसलिए थप्पड़ मारा कि उसको सिंपैथी मिले? पॉसिबल है, क्योंकि अरमान का गेम प्लान जानना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अरमान के दिमाग में क्या चलता है, ज़बान पे क्या चलता है, कुछ पता नहीं चलता है। और मैं ऑनेस्टली ये कहूँगी कि उनके दिमाग और उनकी बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि विशाल मस्ट हैव नॉट थॉट या सोच नहीं रहे होंगे कि बाहर आके उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है उस थप्पड़ के लिए। लेकिन आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी फॉर यू बाबा कि तुम्हारा जो नियत है वो सच है, क्योंकि आप मेरे को बार बार ये बात बोल रहे थे कि मुनीशा जी मेरी नियत साफ है, मेरी नियत साफ है, मैंने ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला। वो बार बार मुझे ये बात बोल रहे थे, बार बार रो रो के बोल रहे थे, एंड आई थिंक वो बात पब्लिक को समझ में आ गई कि उनकी नियत ऐसी नहीं है, नहीं थी, नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने गलत वर्ड यूज़ किया, गिल्टी या व्हाटएवर, उसके लिए वो बहुत सॉरी है, लेकिन उनका इरादा वो नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि टिल द एंड आई एम विद विशाल। लेकिन अब पायल मलिक भी विशाल के अगेंस्ट बोल रही है, तो आपको उस पे क्या कहना है? देखो, पायल तो डेफिनेटली इट इज़ ऑब्वियस क्यों बोल रही है, वो फैमिली है, कृतिका उनकी सिस्टर इन लॉ है या जो भी, आई डोंट नो क्या रिश्ता है, बट दे आर मैरिड टू एक पर्सन, सो ऑफकोर्स वो लोग की लॉयल्टी एक दूसरे के लिए ज़्यादा रहेगी। पायल का शायद रिएक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज उनके फैमिली मेम्बर के लिए है, नॉट एज अ को कंटेस्टेंट। लेकिन मेरा रिएक्शन जो है फॉर विशाल इज़ नॉट, मैं उनकी फैमिली नहीं हूँ, लेकिन एज फैमिली की तरह ही हूँ मैं उनके लिए। अलाउड नहीं है, फिर भी अरमान ने थप्पड़ मारा, उसके बावजूद भी वो घर में है, क्या कुछ इस पे कहना चाहेंगे, स्पेशल केस का नाम दे दिया गया?
जी मैं यही कहूंगी कि मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ, और हम सब ने ये बात रेज किया है कि ये स्टेप जो अरमान जी ने उठाए वो बिल्कुल सही नहीं है। उनका अग्रेशन जायज़ है, उनका एक्शन नहीं, उनका दोनों में फ़र्क है। आप गुस्सा हो सकते, अग्रेशन हो सकते, लेकिन मैं फिर भी एक दूसरे पहलू को रखना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि वो दोनों मियाँ बीवी है रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ का रिश्ता को मतलब नज़र में रखते हुए मैं यही कहूँगी कि पॉसिबल है, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ, इट इज़ पॉसिबल कि किसी का जोश में होश खो जाना एज अ हस्बैंड, नॉट एज अ को कंटेस्टेंट बट एज अ हस्बैंड, ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए जब हमें क्वेश्चन कहा गया कि आपको सब चीज़ों को नज़र में रख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेडीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, उन दीपक लवकेश और रणवीर को कन्फेशन रूम में बुलाया, तो सब ने एक पॉइंट ये रखा कि बिकॉज रियल लाइफ में वो हस्बैंड एंड वाइफ है, एंड ऐसा कोई को कंटेस्टेंट के लिए नहीं खड़े हैं, बट एज अ हस्बैंड एंड वाइफ थोड़ा रिएक्शन स्ट्रांग हो सकता है। द वर्ड आई एम सेइंग हो सकता है बिकॉज ये पॉसिबिलिटी है, जब आप अपने किसी से आप मैरिड हो तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, लेकिन मैं विशाल और लव दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ और एंड तक रहूँगी, और मैं यही चाहूँगी कि उन दोनों का नाम एंड तक रोशन हो। एंड मैं यही चाहूँगी कि विशाल में अगर लोगों को विशाल का इमेज नहीं सही लगता है तो प्लीज़, मैं उनके साथ काफ़ी दिन बिता चुकी हूँ, काफ़ी टाइम बिता चुकी हूँ, डे नाइट उनके साथ रही हूँ, एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि विशाल एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, एंड सेम थिंग फॉर लव। आई थिंक लव ने अगर ये स्टेटमेंट जब स्टेटमेंट कहा, उसने जस्ट एक जनरल रिएक्शन दिया। आई डोंट थिंक अरमान जी को उकसाने के लिए कहा, नोबडी एक्सपेक्टेड कि अरमान जी एक्चुअली जाके थप्पड़ मारेंगे, किसी नोबडी सॉ दैट कमिंग, किसी ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जब विशाल अरमान और लव बात कर रहे थे लाउंज में, तो हम में से कोई भी लड़की या कोई और गए नहीं उस चीज़ में इंटरफेयर करने के लिए, क्योंकि हमको लगा मर्दों का है एक पॉइंट, उन लोगों को आदमियों को आपस में ही सुलझाना चाहिए, और जो भी अरमान जी का फैमिली मैटर है, जो लोग उस मैटर से जुड़े हुए हैं, इट्स बेटर कि वो लोग ही बात करें, लेकिन जो हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, एंड मैं यही कहूँगी कि आई गेस नोबडी वॉज प्रिपेयर्ड। मुनिशा मैम, आपसे लास्टली जानना चाहेंगे कि आप किसको विनर देखती हैं, विशाल या कटारिया को, या फिर अनदर कोई घर के सदस्य को आप देखती हैं एज अ विनर? मैं तो एज अ देखती नहीं, मैं मेरे गुड विशेज़ है लव और विशाल के लिए, दोनों में से कोई ट्रॉफी जीते मेरे लिए एक ही बात है, मुझे लगेगा कि मैंने ट्रॉफी जीता है, मुझे सच में ये फीलिंग आएगा, क्योंकि मेरा भाई मेरे भाइयों में से किसी एक को मिले तो मुझे लगेगा कि ट्रॉफी घर ही आया है। सना मकबूल, सना मकबूल के साथ मेरा रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा है। मैं इसलिए कहूँगी कि मेरे साथ उन्होंने एज सच फेकिज्म नहीं किया, बट आई डू नॉट नो कि 24 घंटे क्या दिख रहा है बाहर, क्योंकि हम एज अ कंटेस्टेंट अंदर थे। मेरे साथ वो अच्छी थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, मैंने उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया, उन्होंने मेरे लिए लॉयल्टी एंड में दिखाई, जब उन्होंने सना और मेरे बीच में अगर एक को चुनना था। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सना मकबूल कि आपने अपना वोट मुझे दिया, कीमती वोट, भले मैं उससे इविक्ट भी हो गई, लेकिन आपका वोट मेरे लिए मायने रखता है आज भी। चंद्रिका का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? एंड में या जो उन्होंने मेरे मेरे साथ बदतमीजी की ना बाय बोल के? मुझे लगता है कि चंद्रिका एंड कृतिका का जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो अच्छा नहीं है, इसलिए कह रही हूँ बिकॉज एज अ हाउसमेट, मैं उनकी फ्रेंड तो नहीं हूँ बट ये कहूँगी एज अ हाउसमेट, एज अ को कंटेस्टेंट, एक बेसिक कर्टसी होता है, एक बेसिक डिसेंसी होता है, आप किसी के साथ 16 दिन रहे हैं तो आपको एक बाय या एक अच्छे तरीके से गुड बाय करना चाहिए किसी भी कंटेस्टेंट को। मैं पायल की क्लोज नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब पायल को बाय बोला, एक बहुत अच्छे से
दिल में महल नहीं रखते हैं जब आप इविक्ट हो रहे हैं घर से. तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट वाज कृतिकाज इशू, क्योंकि मेरा और उनका पर्सनल इशू तो कभी था नहीं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मैं अरमान के खिलाफ हो गई थी उससे पहले कलंक का टीका, और मुझे मैंने उनको मास्टरमाइंड कहा, मैंने ये कहा कि वो लोगों के दिमाग से खेलते, तो आई थिंक ये सब बातें उनको काफ़ी इफेक्ट हुई एज अ वाइफ, एंड इसलिए उन्होंने ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाया. बल्कि इसमें मैं कहूँगी कि अरमान ने ज़्यादा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया. जब मैं बाहर जा रही थी मेरे को अच्छे से बाय बोल के गया कि एंड आई टोल्ड हिम नो हार्ड फीलिंग्स, इट्स जस्ट फॉर द शो, इट्स जस्ट फॉर द गेम, और मेरे जो ओपिनियंस हैं आपके लिए, मैं आपको बिल्कुल बाहर से नहीं जानती, और मेरे जो ओपिनियंस हैं वो सिर्फ गेम से रिलेटेड है. और वो उन्होंने बात समझी, उन्होंने बोला यस सेम हियर, मेरा भी सेम थॉट है और कोई बात नहीं. तो उसके लिए मेरा थोड़ा सा रिस्पेक्ट उस हिसाब से है कि उन्होंने अच्छे से बाय बोला. एंड लेकिन चंद्रिका ने जब मैंने उनको कलंक का टीका लगाया तो उन्होंने वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गई उस पॉइंट पे, और उन्होंने मेरे को अच्छे से बाय नहीं बोला, जबकि मेरा और उसका बॉन्ड काफ़ी अच्छा है. लेकिन मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि वो थोड़ी ओवर सेंसिटिव है. मैंने उनके कैरेक्टर के लिए कभी कुछ नहीं बोला, मैंने उनकी गेम के लिए कभी कुछ नहीं बोला. मैंने सिर्फ ये बोला कि आप ओवर सेंसिटिव हो और ये आपके खिलाफ जा सकता है इस गेम में. तो मैंने एक पॉइंट आउट किया जिससे मुझे लगता है कि वो मैं इसके ऊपर काम कर सकती है या इसके ऊपर इम्प्रूव कर सकती है इफ़ शी वॉन्ट्स टू गो अहेड इन द गेम. लेकिन उन्होंने बहुत पर्सनली लिया. सो अभी उसमें मुझे नहीं सही लगा दैट दे डिड नॉट हैव द डिसेंसी टू से बाय, बट मैंने ये सोचा कि मैं बिगर इंसान बन जाती और मैं जाके बाय बोलती हूँ सबको. मैं तो अभी हूँ नहीं उस शो में इस वक्त, बट मैं कहूँगी कि हाइजीन और सेफ्टी तो मेरे लिए कभी इशू नहीं था फ्रॉम बिग बॉस की तरफ से. चलो थैंक यू सो मच.